नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे IGL के बारे में, क्या आपको इस शेयर पे निवेश करना चाहिए या नहीं, और आने वाले टाइम में आपको इस शेयर में कहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगी और कहाँ रेजिस्टेंस, सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। सो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, पहले कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। कंपनी का स्टॉक ना ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन में और ना ही ASM के किसी रेड फ्लैग लिस्ट में गाइस। कंपनी की एनुअल ग्रोथ रेट, प्रॉफिट जनरेशन, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम फ्लो स्टेटमेंट सारी की सारी पॉजिटिव में गाइस। कंपनी की डेट टू इक्विटी, ROE और अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छे गाइस। सो गाइज, आप देख सकते हैं IGL में आपको एक जो है वीक सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है गाइज, जबकि जो नेचुरल गैस के प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी जो नेचुरल गैस के प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी हमें इसमें एक जो है शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली और बहुत ज़्यादा जो है मंदी की पोजिशन बनती हुई दिख रही है। सो गाइज, अभी जिस रफ्तार से शेयर गिर रहा है कि ये बहुत नेगेटिव ट्रेंड इस शेयर में है, ऊपर से इसने जो अपना ट्रेंड है उसे भी तोड़ा है जो इसका अपवर्ड ट्रेंड बन रहा था गाइस, और अब जो इसमें सपोर्ट बनेगी सबसे इम्पोर्टेंट वो है 358 के आसपास गाइस। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेरी आपको यही राय रहेगी गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस, कंपनी ना ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, कंपनी की प्राइस एंडिंग रेशियो भी बहुत बढ़िया है गाइस, कंपनी के ROE भी बहुत बढ़िया है गाइस, और कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी भी ठीक है गाइस। लेकिन जिस तरह से शेयर में मंदी की पोजीशंस बन रही है वो एक जो है नेगेटिव संकेत दे रहा है गाइस इस शेयर में। मेरी आपको यही राय रहेगी गाइस, इस शेयर ने जो है अपना ट्रेंड तोड़ दिया है गाइज, और अगर ये 358 के लेवल को निकाल देता है, अगर तोड़ता है उसे जो है सपोर्ट नहीं कर पाता है, उस लेवल को नहीं बचा पाता है, तो इसमें आपको और मंदी की पोजीशन जो है बनती हुई दिखेगी। तो मेरी आपको यही राय रहे कि गाइज, अगर आप इस शेयर में पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़े दिन जो है रुकिए, अभी देखते हैं इस शेयर में आने वाले टाइम में क्या होगा। अभी कोई भी फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, अभी आप इस शेयर को जो है शॉर्ट कर सकते हैं। 358 के टारगेट आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं गाइस, और अगर ये 358 के जो लेवल को ब्रीच करता है तो इसमें आपको और जो है पेन देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको यही राय दूंगा गाइस कि आप इस शेयर को अभी जो है अवॉइड कीजिए, इसके मोमेंटम को जो है चेक कीजिए, थोड़ा इस शेयर में जो है पेशेंस रखिए। और अगर गाइस इस शेयर में आप लोग पहले ही अपर लेवल में ट्रैप हो चुके हैं और आपको बहुत नुकसान हो रहा है, तो आपने गाइस 358 के लेवल को जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल लेके चलना है, नहीं तो अपनी पोजीशंस को किसी भी उछाल में जो है ये लॉस बुक करके निकल जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है इस शेयर में आपको और पेन जो है देखने को मिल सकती है। सो गाइस, 358 का आपने एक सपोर्ट इसमें लेके चलना है। सो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।